अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम फिज़िक्स 9 क्लास के दो न्यूमेरिकल हैं इस 9 चैप्टर में, वो आज हम सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट न्यूमेरिकल है इसका, द कंक्रीट रूफ ऑफ अ हाउस ऑफ थिकनेस 20 सेंटीमीटर हैज़ इन एरिया 200 मीटर स्क्वेयर। द टेम्परेचर इनसाइड द हाउस इज 15 डिग्री सेंटीग्रेड एंड आउटसाइड इज 35 डिग्री सेंटीग्रेड। Find the rate at which thermal energy will be conducted through the roof. The value of K for concrete is 0.65 W per meter per Kelvin. ये हमारे पास एक पहला numerical है, इसमें length दी गई है जो width है 20 सेंटीमीटर, area दिया गया है T1 दिया गया है, T2 दिया गया है, दोनों temperature दिए गए हैं, constant value की भी हम दी गई है। तो Q over T हमने मालूम करना है, यू नो रेट पूछ रहे हैं वो थर्मल एनर्जी का, तो क्यू ओवर टी हमने इसमें मालूम करना है। तो इसका हम अब इसके अंदर स्टार्ट करते हैं। गिवन डाटा हमारे पास क्या क्या चीज़ है, पहले बताया जो लेंथ है एल, हम इसको करते हैं एल इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर लिखा है ये गलती से 20 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में जब चेंज करेंगे तो 20/100 इसको डिवाइड करेंगे 100 को 20 से, तो ये हमारा हो जाएगा 0.2 मीटर। तो लेंथ हमारे पास आ गई 0.2 मीटर। एरिया दिया गया है, एरिया इज इक्वल टू 200 मीटर स्क्वेयर, यू नो एरिया हमेशा स्क्वेयर में होता है, तो ये 200 मीटर स्क्वेयर आ जाएगा। तो टेम्परेचर जो आउटसाइड है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको हम दे देंगे नाम T1 का, T1 हो जाएगा हमारे पास 35 डिग्री सेंटीग्रेड। 35 जो है उसको हम फिर प्लस उस केल्विन में तब्दील करने के लिए 273 इसमें ऐड करेंगे, तो ये 308 केल्विन हमारे पास T1 आ जाएगा। T2 15 डिग्री साइड जो इनसाइड है, तो इसको हम जब केल्विन में तब्दील करेंगे तो 15 प्लस 273 288 केल्विन हमारे पास आ जाएगा। तो इनसाइड टेम्परेचर हमारे पास हो गया 288 केल्विन एंड इनसाइड आउटसाइड हो गया 308 केल्विन। तो डेल्टा टी यू नो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, तो हम T1 माइनस T2 करेंगे, 308 माइनस 288 इज इक्वल टू 20 केल्विन। यू नो डेल्टा टी फर्क होता है हर ये बाहर में और अंदर के दर्जे हरारत में, इनसाइड 15 है आउटसाइड 35 है, इनको हम केल्विन में चेंज करेंगे, केल्विन जब तब्दील हो जाएगा तो फिर हम डेल्टा टी मालूम करेंगे, डेल्टा टी डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, तो 308 माइनस 288 इज इक्वल टू 20 केल्विन। थर्मल कंडक्टिविटी के कांस्टेंट जो है थर्मल कंडक्टिविटी की कंक्रीट की 0.65 पर मीटर केल्विन, ये हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी का रेट है जो कि जिस हिसाब से थर्मल एनर्जी इसमें आएगी। तो फाइंड हमने क्या करना है, क्यू ओवर टी रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो करना है क्यू ओवर टी, ये हमने मालूम करना है। तो हमारे पास जो इसका फार्मूला है क्यू ओवर टी का, वो क्या है, L Q over T इज इक्वल टू L की सॉरी K, सबसे पहले हमारे पास K आएगा कांस्टेंट वैल्यू, एरिया T1 माइनस T2 ओवर L, K ए डेल्टा T हो जाएगा। तो ये तीनों वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, K इज इक्वल टू 0.65, 200 एरिया, 20 जो है वो डिफरेंस है, ओवर L है 0.2 मीटर, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 13,000 जौल पर सेकेंड, ये हमारे पास आ जाएगा रेट ऑफ फ्लो। दूसरा करते हैं अब, हाउ मच हीट इज लॉस्ट इन एन आर थ्रू अ ग्लास विंडो मेजरिंग 2 मीटर बाय 2.5 मीटर व्हेन इनसाइड टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड दैट ऑफ साइड इज 5 डिग्री सेंटीग्रेड। द थिकनेस ऑफ ग्लास इज 0.8 सेंटीमीटर एंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ग्लास इज 0.8 W per meter Kelvin। इसमें हमने मालूम क्या करना है, थर्मल एनर्जी मालूम करनी कितनी आती है। इसमें हमें लेंथ दी गई है विंडो की दोनों साइड की, तो ये हम एरिया मालूम करेंगे एल क्रॉस विड्थ के ज़रिए। टेम्परेचर इसका है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड, थिकनेस जो है वो 0.8 सेंटीमीटर। गिवन डाटा देखते हैं क्या क्या है। गिवन डाटा हमारे पास है, सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखते हैं, टी टाइम है ये 1 आवर,
टाइम दिया गया है, तो इसको हम स्मॉल टी से शायर करेंगे। एक आवर में 3600 सेकेंड होते हैं, तो ये सेकेंड में हमने ये इसकी वो करनी है पैमाइश, तो हम ये सेकेंड में करेंगे 3600। एरिया इज इक्वल टू लेल क्रॉस विड्थ, तो ये हमने 2 × 2.5 किया लेंथ और विड्थ को, इज इक्वल टू 5 m² एरिया आ गया हमारे पास। लेंथ एल इज इक्वल टू 0.8 cm, इसको हम मीटर में जब चेंज करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 0.008 m। ठीक हो गया, लेंथ भी आ गई है, एरिया भी आ गया टी। अब हमारे पास टेम्परेचर रह गया, ठीक है ना। तो टेम्परेचर मालूम करने के लिए सबसे पहले हम पहला टेम्परेचर लिखते हैं, उसके बाद हम दूसरा टेम्परेचर। T1 है 25°C, जब इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 298 केल्विन। 273 से इसको प्लस करना पड़ता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 298 केल्विन। T2 5°C था, इसको जब हम प्लस करेंगे 273 में ये आ जाएगा 278 केल्विन। ये इक्वल का निशान है, ये माइनस का लगा हुआ है, इक्वल है यहाँ, तो ये 278 केल्विन आ जाएगा। अब हम इनका मालूम करेंगे डिफरेंस, तो डिफरेंस जब मालूम करेंगे तो टी डेल्टा टी इज इक्वल टू हो जाएगा T1 - T2। डेल्टा टी इज इक्वल टू T1 - T2, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 298 - 278 इज इक्वल टू 20 केल्विन। ये 20 केल्विन हमारे पास आ गया डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है उसका डिफरेंस है 20 K, मीन्स डेल्टा टी। अब यहाँ फार्मूला डालेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। थर्मल कंडक्टिविटी जो है ग्लास की, वो K इज इक्वल टू 0.8 W/m². ये इसकी थर्मल कंडक्टिविटी आ गई। वी नो दैट Q/T इज इक्वल टू K फाइंड क्या करना है, फाइंड देख लेते हैं। हीट इज इक्वल टू आगे हमारे पास क्यू मालूम करने, सिर्फ क्यू मालूम करने, क्योंकि आपको टाइम भी हमें दिया गया है, तो फार्मूला हमारे पास है, वही फार्मूला लगेगा इसमें। Q/T इज इक्वल टू KA ×ΔT/L। ठीक है, ये वही फार्मूला लगेगा, तो फार्मूला जस्ट लगाना है और आंसर हमारा आ जाएगा। अभी देखें Q/T इज इक्वल टू KA ×ΔT/L, तो Q मालूम करना, तो T वहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा K एरिया डेल्टा T के साथ, तो वो हमारे पास सिर्फ Q की वैल्यू आ जाएगी। अब इनकी हम कीमतें पुट करते हैं। K की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू है 0.8, तो Q/T के फार्मूला है KA T1 - T2 ×ΔT है। ठीक हो गया, तो यहाँ हमने सिर्फ कीमतें इसकी पुट करनी है। कीमतें पुट करते ही तो हमारा ये आंसर, ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाएगा। टी है 3600 × 0.8 × 5 × 2, 20 डिफरेंस है, एंड ये कांस्टेंट की वैल्यू है 0.008, तो ये हो जाएगा जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 3.6 × 10⁻⁷ J। अब ये सिर्फ Q की वैल्यू हमारे पास आ गई है जो हमें रिक्वायर्ड थी। ठीक हो गया, इस तो Q इज इक्वल टू हो गया रेट ऑफ फ्लो इज इक्वल टू 3.6 × 10⁻⁷ J। ये आज हमारे 9वां चैप्टर का भी हो चुका है। ठीक है, तो इसके साथ साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम अब इसके बाद 10th जो फिजिक्स है उसके भी न्यूमेरिकल सॉल्व करके लिखने हैं, इसके अलावा मैथमेटिक्स के भी आगे क्वेश्चन करने हैं। तो इन सब को, इन सब की सॉल्यूशन देखने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।